हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबाज आपके साथ टीयू के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बात करने वाला हूं। एमफिल और पीएचडी स्पेशली आपके एमफिल और पीएचडी के लिए आप काफ़ी चिंतित हो चुके हैं कि आपका इंटरव्यू कहाँ की शेड्यूल कब आएगा, कब आपका यहाँ पर लिस्ट आएगी। तो सभी चीज़ें आपकी बहुत यहाँ पर कंजस्टेड टाइप में चल रही हैं क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वो कोई कहीं तो आपका डिपार्टमेंट हाउस जो आपका डिपार्टमेंट वेबसाइट है वहाँ पर आपका अपडेट करता है, कहीं पर आपके जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर एमफिल पीएचडी एडमिशन 2020 का जो सेक्शन है उसमें अपडेट किया जाता है। तो ये समस्या काफ़ी बनी हुई थी, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो आपके साथ बनाना उचित समझा। राइट, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, अरेबिक, सोशल वर्क, पर्शियन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, यहाँ पर सोशल वर्क, अरेबिक, संस्कृत, कुछ ये डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं कि एमफिल पीएचडी का जो आपका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं और उसके साथ साथ जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो भी आपका जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपके जो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो विजिट करने का जो सबसे पहले तो आप जो geography.du.ac.in पर विजिट करते हैं तो आपका यहाँ पर एमफिल और पीएचडी की जो लिस्ट है वो आपकी जारी कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कॉल फॉर इंटरव्यू नोटिस आपकी मिल जाएगा, इसमें आपके जो नोटिस है वो मिल जाएगा, उसमें आपकी सभी जो भी नाम से दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं मालूम कि आपकी जो फॉलो किया जा रहा है वो कैसे फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 22/12/2020 को आपका ये आया था और यहाँ पर ये अपडेट आज ही हुआ है 23/12 को। और ये डिपार्टमेंट का जो इंटरव्यू शेड्यूल है वो आपका 7/1/2021 को यानी कि बृहस्पतिवार को 10 बजे से बाद में चलेगा और ये आपका फॉलो होने वाला है। लेकिन जो भी आपके कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं आपके एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, उनका ये नहीं पता लग रहा कि किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग किए जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो जनरल कैंडिडेट है उसका जो क्राइटेरिया होता है वो आपका 50% होता है। 50% जो भी कैंडिडेट लेके आएगा उसको क्वालिफाई किया जाएगा और इसके बाद जो भी आपके रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 45% होता है, और जो कि यूनिवर्सिटी वेब ऑर्डिनेंस में भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आपका वो फॉलो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपके जो भी नाम दिए गए हैं ये एससी और एसटी के आपके लगभग जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि लिस्ट में हाईलाइट भी मैंने कर रखे हैं, तो हाईलाइट किए में ये जो भी हाईलाइट कैंडिडेट हैं वो आपके यहाँ पर सिलेक्टेड हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके जो भी कैंडिडेट यहाँ सिलेक्ट कर रखे हैं वो कैंडिडेट लास्ट अगर देखा जाए तो ये कैंडिडेट आपके 14 नंबर लेकर आया है, सिर्फ मात्र 14 नंबर लेके आया है। और एसटी कैंडिडेट है 47, इसका रैंक आया है डीयू के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर 200 में से 14 नंबर लेके आया तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हुआ है ये मुझे नहीं मालूम। तो अपने डिपार्टमेंट वाइज आप चेक जरूर कर लें कि आपके डिपार्टमेंट में कौन सा रूल फॉलो हुआ है। अगर कोई भी समस्या होती है तो अपने जो भी डिपार्टमेंट है आपके डिपार्टमेंट में आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर्स के नंबर हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मिल जाएंगे और आपको लिंक भी मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो आप देख के आपकी यहाँ पर जो नोडल ऑफिसर्स का दिया गया है ये आपका देख सकते हैं कि ऑर्डर जो नोडल ऑफिसर्स हैं जो आपके डिपार्टमेंट में, उनसे आप कॉल करके कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, ताकि आपकी कंफर्मेशन हो सके। और फिर भी कोई इश्यू होता है तो आपकी ईमेल आईडी और नया कॉन्टैक्ट नंबर इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरी पीडीएफ में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये समस्या काफ़ी बनी हुई है आज के दिन। और कोविड-19 के साथ साथ यहाँ पर ये भी समस्या आ रही है कि आप कैसे जाएं, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से आपके लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है, आप अपने डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है। राइट, तो होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपके जो भी पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप चेक करके जो भी करना है आप अपने विचार से आप उस पर काम कीजिए। और विश यू ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।